दोस्तों, पाकिस्तान में मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के मुकाबले पाकिस्तान ने कई मिसाइलें बनाई हैं। कई बार जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान ने कई मिसाइलों का परीक्षण किया। इसके लिए उसने उत्तर कोरिया, ईरान और चीन की भी मदद ली। तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान के बेड़े में ऐसी कौन कौन सी मिसाइलें हैं जिससे भारत को सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, पहले समझने वाली बात है कि पाकिस्तान की मिसाइल कार्यक्रम हत्प सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। इसमें पाकिस्तान ने हत्प सीरीज़ की कई मिसाइलें बनाई है। चलिए तो जानते हैं। दोस्तों, पहली मिसाइल है हत्प वन। पाकिस्तान की पहली मिसाइल थी हत्प वन। यह एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक है और ये अपने साथ 500 किलोग्राम तक का विस्फोट ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान ने इसे बनाने की घोषणा 1989 में की थी। सफल परीक्षण के बाद 1992 में इसे पाक सेना में शामिल किया गया। दोस्तों, वजन में कम होने के कारण इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हत्प टू की, जिसे अब्दाली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मारक क्षमता 180 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 250 से लेकर 450 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकती है। इसे पाकिस्तानी सेना ने 2005 में शामिल किया गया था। इसकी लंबाई 6.5 मीटर, व्यास 0.56 मीटर है। 2013 में दावा किया गया था कि यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी मिसाइल की, जो कि हत्प तीन है। इसे गजनवी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 700 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसको बनाने की शुरुआत 1987 में हुई थी। परीक्षण के बाद 2004 में इसे सेना में शामिल किया गया। यह 8.5 मीटर की लंबी है। इसका व्यास 0.8 मीटर है। दावे के अनुसार यह भी परमाणु और परंपरागत दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी मिसाइल की, जो कि हत्प फोर है। इसे शाइन भी कहा जाता है। कम दूरी की यह बैलिस्टिक मिसाइल 750 किलोमीटर तक लक्ष्य को निशाना बना सकती है। यह 1000 किलोग्राम तक विस्फोटक अपने साथ ले जाने में सक्षम है। इसका निर्माण 1993 में शुरू हुआ था और 1997 में परीक्षण किया गया। इसके बाद पहली बार इसका सार्वजनिक प्रदर्शन 1999 में किया गया। 2003 में इसे सेना का हिस्सा बनाया गया। यह 12 मीटर लंबी और इसका डायामीटर 1 मीटर है। दोस्तों, बात करते हैं पाँचवीं मिसाइल, जो कि है गोरिन। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1250 से लेकर 1500 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 700 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसे पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया और ईरान से मिलकर 1980 में बनाना शुरू किया था। 1998 में इसका पहला परीक्षण किया गया और 2003 में इसे सेना में शामिल किया गया। इसकी लंबाई 15.9 मीटर और डायामीटर 1.35 मीटर है। मई 2004 में परीक्षण के बाद यह दावा किया गया कि यह भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली मिसाइल की, जो कि हत्प सीरीज़ की सातवीं मिसाइल है। इसे बाबर क्रूज मिसाइल के नाम से जानते हैं। यह परंपरागत या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह 350 से लेकर 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इस सबसोनिक क्रूज मिसाइल को ज़मीन से लॉन्च किया जा सकता है। भारत के क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के जवाब में 1990 में इस पर काम शुरू किया गया था। 450 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम इस मिसाइल को 2010 में सेना का हिस्सा बनाया गया। यह 6.2 मीटर लंबी और इसका डायामीटर 0.52 मीटर है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी तक जाने वाली मिसाइल की, साइन थ्री। दोस्तों, यह मध्यम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। यह परमाणु और पारंपरिक हथियार दोनों ले जाने में सक्षम है। इसकी लंबाई 19.3 मीटर और डायमीटर 1.4 मीटर है। इसे सेना की परेड में पहली बार मार्च 2016 में प्रदर्शित किया गया था। 2015 में इसके सफल परीक्षण होने का दावा किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी आखिरी मिसाइल की, वह है हत्प नाइन। इसे नसर भी कहते हैं। जमीन से ज़मीन पर मार करने में सक्षम यह मिसाइल परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। इसकी मारक क्षमता 60 किलोमीटर तक है। पहली बार इसका सफल परीक्षण अप्रैल 2011 में किया गया था। दावा है कि यह एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी मात देने में सक्षम है।